नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं लोनी की ओर, जहां शॉर्ट सर्किट से शादी का सामान जलकर हुआ राख। फरिश्ता बने पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज धामा। लोनी के राहुल गार्डन कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट होने से शादी का सामान जलकर राख हो गया। इसके बाद नगर पालिका लोनी के पूर्व अध्यक्ष मनोज धामा ने आगे बढ़कर शादी का तमाम सामान खरीदकर पीड़ित गोविंद की बेटी निशा को उपलब्ध कराया। पीड़िता का कहना है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज धामा यदि फरिश्ता बनकर हमारी जिंदगी में नहीं आते तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लोनी से मेहंदी हसन के साथ विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। आपकी और भी सरकारी भी आपकी है तो चेयरमैन साहिबा अपनी तरफ से कर रही है। फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, LCD भी आपकी है, प्रेस भी है और जो भी सामान है सिलाई मशीन भी है। सिलाई मशीन ठीक है, यहाँ इंक्वायरी के लिए आए हैं, ये अपनी तरफ से कर रही है। ठीक है, रखना बेटा सारे। हाँ, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसी बेटी आपकी ऐसी हमारी। हाँ, मुझे तो कूड़े में जाएंगे। बहुत खुशी हो गया, मेहरबानी। इतनी दुखी हो गई थी। आने भेजा था, मुझे पता चला तो मैंने इन्हें पंडित जी को भेजा, मगर एक बार देख क्या हो। इतना सीरियस हो गया, इतनी मेहनत करी थी लड़की, हाथ के मरीज देखते बेहोश हो गए थे। अरे नहीं, देखते परेशान हो गए। ये का एक हो गया आज बराबर, ऊपर वाले करता है। कहाँ है भाई लड़की के लिए? ठीक है, जो सामान वगैरह कोई और बात दो मुझे बता देना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ प्रसाद। दशरथ जी, क्या हुआ रात आपके यहाँ? रात में तो मैं हम लोग सब मिलकर घर में सो रहे थे, और क्या हुआ कि 3 बजे रात में अचानक से जब धुआं होने लगा तो उठे तो इतना तेज आग पकड़ लिया था कि मतलब संभाल नहीं पा रहे थे। फिर मोहल्ले वाले सब मिल के आए, मोटर चालू हुआ, पाइप उप लगा के बंद किए पाइप, जब तक के सब कुछ राख हो गया। उसमें मिठाई वगैरह था, जो दहेज हमारे देने के लिए भतीजी के था, सब ला कर उसे स्टोर रूम में ला कर रखे थे अपना कमरे में। पूरा जल गया सब कुछ, कुछ बचा नहीं। फिर ये जो है ये नेताजी जो आए, क्या नाम है उनका, धामा साहब, मनोज धामा जी जो आए यहाँ पर, उन्होंने जो है सब सब सामान जला था फ्री, सब ला करके जो है मतलब अपने तरफ से उन्होंने बहुत राहत दिया है, बहुत इज्जत बचाया हमारा, उनको बहुत धन्यवाद। बस हमारे परिवार के अच्छे बताए, बहुत धन्यवाद। उसके बाद आपने कुछ मदद किया क्या? देखिए भैया, सुबह सुबह मेरे पास सनी पोरवाल जी का यहाँ से फ़ोन गया, और उन्होंने मुझे बताया कि आज एक परिवार के साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, और जो उनका दहेज का सामान था वो सब जल गया है। तो मेरे पास सुबह ही फ़ोन आया, मैंने कहा कि चलो मैं आती हूँ आपके पास। फिर हम दामा जी ने यहाँ पर लड़कों को भेजा, देखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जितनी भी जमा पूंजी है तो वो सब लगा देता है, और जब वो उसके सामने जलकर खाक हो जाता है तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या पीड़ा उनको होती होगी। और इसी यही समझ कर हम, क्योंकि यहाँ ये जो लोनी की बेटियाँ हैं, ये केवल इनकी बेटियाँ नहीं हैं बल्कि ये हम सभी की बेटियाँ हैं। हमारा आज दुख की घड़ी में इनके पास, क्योंकि इंसान का पता तभी चलता है जब किसी पर दुख आता है, ज़रूरत में कि कौन किसके साथ खड़ा है। तो मुझे लगा कि वो हमारी बेटी है एक, और हमें उसकी जो मुझसे मदद हुई वो मैंने यहाँ पर आकर किया। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, क्या हुआ? सर, आज हमारे घर में आग लग गई, आज हमारी बारात आएगी बेटी के घर में आग लग गया, सारे सामान रखा था सब जल के राख हो गया, सारे दहेज के सामान, सारे फ्रिज कूलर क्या नाम है मशीन, सारे चीज़ जो भी था
सब जल गया। तो हमने मनोज धामा जी सर के फोन गए, फोन किए उनसे, उन्होंने मेरे को मदद किए, उनको धन्यवाद बोलते हैं। क्या क्या मदद की उन्होंने, क्या क्या दिया आप लोगों को? हमने फ्रिज दिए, मशीन दिए, कपड़े धोने वाले मशीन, कपड़े सीने वाले मशीन, LCD टीवी दिए, मसाला पीसने वाला मशीन दिए, प्रेस दिए, जितना चीज जला था उन्होंने सब दे दिए। देखिए सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, देखो आज किसी एक परिवार में शादी है और शादी में जो दहेज के लिए सामान था, फ्रिज था, LCD थी, आपका वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, जूसर ग्राइंडर और तमाम जो चीज़ें थी वो रात के समय शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो सारा सामान था। तो जैसी सूचना मिली मैंने अपने राजेश शर्मा जी को और अपने टीम को, यहाँ सन्नी पौर वाले उनका फ़ोन आया तो मैंने तुरंत इन लोगों को यहाँ भेजा है और इस परिवार की जो भी आर्थिक मदद हम कर सकते थे उतना हमने प्रयास किया, जो भी सामान जला था सारा सामान उनको हमने ला के दिया है, चेयरमैन साहब ने ला के दिया। और इस तरह से अगर मान लीजिए आज ही बारात आने लगे आज ही सामान, हम भी सोचेंगे कि हम अपनी बेटी के शादी में ये सब चीज़ें दे रहे हैं और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी उस बेटी की, बड़ा गमगीन परिवार था, उदास था, जो छोटी सी पहल है, छोटी सी मदद, बहुत अच्छी है।